अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स आज का टॉपिक फ्रेटी एचडी मिनी वाईफाई कैमरा के बारे में है। व्यूवर्स ये एक पोर्टेबल कैमरा है, ये देखने में तो एक सिंपल कैमरा लगता है लेकिन ये कैमरा हिडन कैमरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस हिडन कैमरे की जबरदस्त बात यह है कि इसको चलाने के लिए प्लग वगैरह यूज नहीं होता और ना ही डायरेक्ट बिजली पर लगाया जाता है। इस कैमरा में वाईफाई सिस्टम है और इसको इस तरह डिवेलप किया गया है कहीं भी छुपा कर रखा जा सकता है। इस कैमरे की लाइव फुटेज एक स्मार्टफोन पर इसकी मुतलका एप्लीकेशन के जरिए देखी जा सकती है। किसी भी मोबाइल से ये हिडन कैमरा वाईफाई के जरिए कनेक्ट किया जाता है और इसका एक और एडवांटेज ये है कि आप इस तरह के काफी कैमरों की फुटेज एक साथ एक ही मोबाइल पर इजीली देख सकते हैं। अगर आप इस कैमरे की लाइव फुटेज नहीं देखना चाहते तो इसके अंदर एक माइक्रो एसडी कार्ड डाला जाता है जिसमें वीडियोज रिकॉर्ड होती जाती है और बाद में आप इसकी फुटेज देख सकते हैं। इस छोटी सी डिवाइस की वजह से आप किसी भी जगह की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस कैमरे को मोशन डिटेक्शन या बेबी मॉनिटर के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। इस कैमरे का साइज बहुत ही छोटा होता है लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग इंतहाई हाई क्वालिटी की होती है। ये एक स्पाई कैमरा है, इसकी पिक्सल 1080 तक होती है और इस कैमरे में नाइट विजन भी है। इस कैमरे में रिचार्जेबल बैटरी अटैच होती है जिससे 24/7 वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। ये एक वायरलेस वाईफाई है, इसमें डिस्टेंस की लिमिट भी नहीं होती क्योंकि ये इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होता है। फ्रेडी ऑफिस की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इतना ही शानदार डिवाइस है। अब बात है इसकी मार्केट प्राइस को, पर इसकी मार्केट में प्राइस 8,000 रुपीज है और ये एक कमाल का गैजेट है, आप इसको जरूर खरीदना चाहेंगे। ये एक इतना ही शानदार कैमरा है जिसको सीक्रेट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के कैमरों की इन्वेंशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की का मुंह बोलता सबूत है और ओवरऑल देखा जाए तो ये कैमरा बहुत से मुस्बत मकासद के लिए यूज हो रहा है। सब व्यूवर्स वीडियो को लाइक कर दे और जो व्यूवर्स मोहम्मद एसर रजा टीवी पे नए है वो मोहम्मद एसर रजा टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। बंडल ऑफ थैंक्स मोहम्मद एसर।